यहाँ से नीचे उतर सकता है, पर ये मना कर रहा है, नहीं है उतरने का। वहाँ से उतरेंगे, गिरने जैसा तो नहीं है। पता चला सीधा फतेह सागर में। देखता हूँ नीचे उतर सकते हैं क्या। यहाँ पे कहीं है, कहाँ पे? ये जो गड्ढा है, इसमें से ये हटाओ ना तो मैं उतर जाता हूँ। ये कहाँ सटेगी तो इसमें से उतरने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं नीचे से क्या आता है। हाँ ये वाला, तो ये घास हटाओ ना। इसमें से घुसना पड़ेगा। चलो घुसता है, ये भी सही। गिर गया तो चलो। ये फतेह सागर की जमीन पे आ गए हम। पहले वो रोड थी, वाओ। ये एक डक घूम रही है, मैं इसको कैप्चर तो कर ही लेता हूँ। है? ये फतेह सागर के इस पे आ गया हूँ मैं, थोड़ा रिस्की तो है, चलेगा। ये लोग यहीं पे काम करते हैं। ऊपर से डिफरेंट दिखता है, यहाँ से अलग व्यू है, बिल्कुल पैरेलल। रिमझिम बारिश हो रही है। वो जिन्होंने मुझे रास्ता बताया था वो घास काट रहे हैं वहाँ। ये घास किसके लिए लेके जाते हो? गाय? अच्छा सफाई करने के लिए। अच्छा ये लोग सफाई करते हैं, ये जो है ना ये फतेह सागर की सफाई करते हैं, इसीलिए साफ सुथरा पानी है आपके पास। हम लोग जो इतना क्लीन फतेह सागर देखते हैं, ये इन लोगों की मेहनत है। यहाँ पे अलाउ नहीं है एक्चुअली इसके नीचे उतरना। अच्छा वहाँ अंदर कुछ है तो नहीं? अरे यार कुछ है, यहाँ पांव रख के मैं नीचे आया था, कुछ होना नहीं चाहिए यार, बाकी सब ठीक है। उस डक को ले लेता हूँ। ओए डोनाल्ड डक, कम हियर।
अपना बहुत हो गया है, अब बेटर यही होगा कि वापस चला जाए रोड पे। फतेह सागर के अंदर आ गए हम, बस इतना बहुत है। सरफेस व्यू ये नहीं, तो यहाँ पे शायद अंदर उतरना अलाउ नहीं है, तो चलो चलते हैं। पत्थर ना गिर जाए। वो छोटी सी जगह, उधर से गाड़ी ना आ जाए। हमने से निकलते हैं, से उतनी छोटी नहीं है लेकिन यहाँ से ये जगह थी, बट इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आया कुछ डिफरेंट करने में।